मेरे कान जलना शुरू हो गए राय। ये कलर चेंज हुआ हुआ है और ये कलर और है, ये कलर और है। Those guys will mess you up. आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जिसे देखने के बाद आप शस्तर रह जाएंगे कि पेव्ड और अनपेव्ड क्या है। तो ये कच्चा पक्का यानी वो हमारे कच्चे का इलाका वो वाला वो नहीं, वहां तो बंदा गायब हो जाता है, वो चक्कर नहीं होता भैया। यहाँ पे देखें ये पीछे पक्का था और अब ये कच्चा स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वहां पे हम रेड बुल पीते हैं लाइक इन दिस वे, तो ये बुल यहाँ पे मौजूद है। बैड बॉयज, दोस गाइस विल मेस यू अप। अस्सलामुअलैकुम, हे गाइस, व्हाट्स अप। आज मैं मौजूद हूँ बिल्कुल रिजर्वायर और यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। हवा भी चल रही है और यहाँ के क्या मनासिर है, आइए आपको दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, इसको मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। और कहीं अगर आप गन डालने का सोच रहे हैं तो कहीं और गन नहीं डालना, ये 3 डस्टबिन हैं, यहाँ पे आप गन डाल सकते हैं, कहीं और गंद आप नहीं फेंकना जो अपने साथ आप कुछ लाए हैं। और ये एफिशिएंट रिलीज साइट यानी तीतर को रिलीज किया जा सकता है, और तीतर यहाँ आके नहाते हैं और फिर गीले हो जाते हैं और फिर उड़ते हैं और एक कतार में उड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ कनाडा की एक तरह से अलामत भी है। तो ये देखिए, ये जगह देखते ही मुझे एक थोड़ी सी मंजी नजर आई। मैंने कहा कि मंजी के थल्ले डांग फिरने वाली बात है, वो क्या 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 बोलते हैं, डांग फिरो मंजी के थल्ले, समझ गया, डांग मंजी थल्ले डांग फिर। यहाँ मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि कनाडा के मौसम पे एतबार बिल्कुल नहीं करना भाई, बिल्कुल नहीं करना। विंटर जो है वो जब यहाँ पे होता है तो जैसे मेरी शर्ट का कलर है सफेद, सफेदी आपको नजर आती है हर जगह पे। लेकिन जब समर टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, लाइक 24-25 टेम्परेचर था और मैंने कहा कि हाफ स्लीव में ही चलते हैं, और मैं वहां पे गया और आप ये देख सकते हैं कि यहां से नीचे मेरे बाजुओं का कलर चेंज हो गया है और यहां से ऊपर अलग है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको नजर आए ये कलर चेंज हुआ हुआ है और ये कलर और है, ये कलर और है। मेरे कान जलना शुरू हो गए रात को, लाइक रशिंग हो रही है यहाँ पे और इन जगहों पे कानों पे। तो भाई मौसम की मुनासबत से आपको ये जो ग्लासेस है जिनको गॉगल्स कहते हैं ये पहनने पड़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये जाके वहां पे गोरा बन गया, प्रिटेंड कर रहा है अपने आप को, लेकिन मैं हूँ देसी भाई, मैं देसी हूँ। लेकिन ये चीजें रखनी पड़ती हैं, कैप, और इनफैक्ट कैप ये जो मेरे बाल हैं इनके नीचे जो जगह है ये सफेद अभी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, और बाकी जो है वो मेरा कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। ये सिर्फ एक दिन की मार है भाई। तो मैंने गोरा भाई से कहा कि डैम की इंस्पेक्शन की जाए, यहाँ सही काम कर रहा है ये डैम या नहीं, पानी का बहाव सही है या नहीं, इसकी चौकीदारी का क्या सीन है, चौकीदारी करनी है यहाँ की। तो गोरा भाई ने कहा कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप किसी को फुद्दू नहीं लगा सकते। मैंने कहा क्यों, क्या वजह है? उसने कहा यहाँ कोई बंदा ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, ये बात भी ठीक है। और फिर तमाम तर जायजा लेने के बाद मैंने सोचा कि चलें इसको पोस्ट रिटायरमेंट का कोई प्लान रख लेते हैं, जब रिटायरमेंट होगी उसके बाद देखेंगे डैम की चौकीदारी करेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे देखना चाह रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और यूट्यूब पे मेरा चैनल भी लाजमन आप सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, इससे काफी मोटिवेशन मिलती है।